वेलकम टू जिज्ञासु ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डी कुमार फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था जो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो टॉपिक था, और उसमें मैंने बेसिक प्रोजेक्टाइल मोशन जिसमें एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से थ्रो करते हैं, ग्राउंड पे हिट करते हैं, उसके बारे में काफ़ी कुछ डिस्कशन हुआ था। उसी का स्पेशल केस हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्पेशल केस स्टार्ट करते हैं। जैसे एक ऑब्जेक्ट को आप ग्राउंड से थ्रो करते हो सर्टेन वेलोसिटी यू से, एंगल प्रोजेक्शन थीटा है, ये ग्राउंड पे हिट करता है, ये उसका हॉरिजॉन्टल रेंज हुआ आर। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होता है आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये मैंने डिराइव किया हुआ पिछली क्लास में। For given velocity of projection, range will be maximum when for given velocity of projection, range will be maximum when, look, u given है, g given है, ऑब्वियसली थीटा फिर वेरिएबल होगा ना। अलग अलग एंगल पे थ्रो करोगे आप तो पार्टिकल अलग अलग जगह फॉल करेगा। मान लो आपने थोड़ा ज्यादा एंगल पे थ्रो कर दिया ऐसे, हो सकता है पार्टिकल यहाँ फॉल करे, इस एंगल पे थ्रो कर दिया, सेम यू है, कहीं और फॉल करे। तो सेम वेलोसिटी से थ्रो करते हो और अलग अलग एंगल प्रोजेक्शन पे थ्रो करते हो, थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री, तो अलग अलग रेंज होता है। तो रेंज मैक्सिमम कब होगा? व्हेन साइन टू थीटा इक्वल टू वन, वन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन टू थीटा। आप जानते हो साइन थीटा का, साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू वन और मिनिमम वैल्यू माइनस वन होता है। साइन टू थीटा वन का मतलब साइन टू थीटा इक्वल टू साइन 90 या टू थीटा इक्वल टू 90 या थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो बच्चों हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर आप सेम वेलोसिटी से एक ही पार्टिकल को अलग अलग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे थ्रो करोगे तो रेंज मैक्सिमम कब होगा? जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 होगा। फिर मैक्सिमम रेंज का वैल्यू क्या होगा? आर मैक्स का वैल्यू क्या होगा? यू स्क्वायर साइन टू थीटा के बदले 90 ले लिया डिवाइडेड बाई जी, ये कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन नाइन, सॉरी थीटा 45 है बच्चों, साइन 45 इंटू टू 90, साइन 90 बाई जी, यू स्क्वायर बाई जी इंटू वन। हेंस आर मैक्स का वैल्यू हो गया यू स्क्वायर अपॉन जी। तो ये फर्स्ट स्पेशल केस हुआ कि अगर आप अलग अलग एंगल से थ्रो करते हो सेम वेलोसिटी या प्रोजेक्शन से तो हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब होता है और कितना होता है। तो जब एंगुलर प्रोजेक्शन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो तो रेंज मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम रेंज कितना होगा? यू स्क्वायर अपॉन जी। नेक्स्ट पॉइंट, अगर एक ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से थ्रो करते हो और थीटा एंगल से, उसका कुछ ना कुछ पर्टिकुलर रेंज आता है, सेम रेंज को ऑब्टेन करना है ना, तो आपको 90 माइनस थीटा से थ्रो करना होगा। और ये पार्टिकल अगेन जब थीटा पे आपने थ्रो किया था तो जहां पे हिट किया था, जब 90 माइनस थीटा से थ्रो करोगे तो वहीं पे हिट करेगा। तो जब फर्स्ट एंगुलर प्रोजेक्शन अगर थीटा है, सेकेंड अगर 90 माइनस थीटा है, ये दोनों फर्स्ट और सेकेंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो। अब इसको हम प्रूव कैसे कर सकते हैं? तो आपको पता है रेंज का वैल्यू क्या होता है? यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। रेंज को आप लिख सकते हो यू स्क्वायर साइन 180 माइनस टू थीटा अपॉन जी, या रेंज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू कॉमन लो 90 माइनस थीटा अपॉन जी। अगर मैं मान लो कि 90 माइनस थीटा इक्वल टू मान लो अल्फा ले लो, तो रेंज का वैल्यू क्या हुआ? यू स्क्वायर साइन टू अल्फा डिवाइडेड बाई जी, इक्वेशन टू हो गया, इक्वेशन वन हो गया। फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू
आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, एक ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी यू से थ्रो करें, बट एक एंगल थीटा से थ्रो करें और दूसरा एंगल अल्फा, जो अल्फा किसके इक्वल है 90 माइनस थीटा से थ्रो करें, तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, सेम होगा। हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी, हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी सेम इफ पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड विद सेम वेलोसिटी बट टू डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, वन इज थीटा एंड अदर इज 90 माइनस थीटा। ये दो पर्टिकुलर केस है, सेम वेलोसिटी से अगर टू डिफरेंट एंगल से थ्रो करो, एक थीटा हो और दूसरा 90 माइनस थीटा हो, फॉर एग्जाम्पल एक 30 डिग्री से थ्रो करोगे और एक 90 माइनस 30 60 डिग्री से थ्रो करोगे, रेंज सेम आएगा। एक 15 डिग्री से थ्रो करोगे और एक 90 माइनस 15 75 डिग्री से थ्रो करोगे, रेंज सेम आएगा। तो सेम रेंज होने के लिए सेम वेलोसिटी से हमें दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मिलता है, और एक है थीटा तो दूसरा कितना होगा 90 माइनस थीटा। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये देखिए, एक ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया यू वेलोसिटी से थीटा एंगल, दूसरे ऑब्जेक्ट को थ्रो किया सेम वेलोसिटी से बट 90 माइनस थीटा से, दोनों का रेंज सेम है। फिर अगर पहले का टाइम ऑफ फ्लाइट T1 है, दूसरे का टाइम ऑफ फ्लाइट T2 है, फर्स्ट प्रोजेक्टाइल मोशन का मैक्सिमम हाइट अटेंड H1 है और सेकेंड प्रोजेक्टाइल मोशन का मैक्सिमम हाइट अटेंड H2 है, ये H1 है, H2 है, ले लिया, H2 सेकेंड प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट है, तो इनमें क्या रिलेशंस होगा? तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर द फर्स्ट प्रोजेक्टाइल मोशन T1, T1 का वैल्यू क्या हो गया, 2u साइन थीटा बाई जी, थीटा क्या है, एंगुलर प्रोजेक्शन ऑफ फर्स्ट प्रोजेक्टाइल मोशन है, एंड T2 कितना हो जाएगा, 2u साइन 90 माइनस थीटा अपॉन जी, दैट इज T2 का वैल्यू हो जाएगा 2u कॉस थीटा अपॉन जी। तो मैंने टू डिफरेंट प्रोजेक्टाइल मोशन है, एक थीटा से थ्रो किया दूसरा 90 माइनस थीटा से थ्रो किया, पहले का टाइम ऑफ फ्लाइट T1 आ गया, दूसरे का टाइम ऑफ फ्लाइट T2 आ गया, तो दोनों का वैल्यू मैंने निकाल दिया। सिमिलरली मैक्सिमम हाइट अटेंड H1 फॉर द फर्स्ट प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, एंड मैक्सिमम हाइट फॉर द सेकेंड प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g, दैट इज यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो दोनों प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया T1 T2, दोनों प्रोजेक्टाइल मोशन का मैक्सिमम हाइट अटेंड H1 H2 निकाल दिया, और दोनों का रेंज तो कॉमन होगा, वो कितना होगा, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। ये जो T1 T2 को इक्वेशन 1 ले लो, H1 H2 को इक्वेशन 2 ले लो और रेंज को इक्वेशन 3 ले लो, तो इन तीनों इक्वेशन को आप याद रखिए और तीनों इक्वेशन से फॉलोइंग प्रॉपर्टी होल्ड होता है। नंबर 1, T1 अपॉन T2 इक्वल टू tan थीटा, आप ये प्रूव कर सकते हो। नंबर 2, H1 अपॉन H2 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। नंबर 3, रेंज इक्वल टू 4 टाइम्स अंडर रूट H1 H2। नंबर 4, रेंज इक्वल टू हाफ जी T1 T2। ये प्रॉपर्टी आप खुद वेरीफाई कर सकते हो, उसमें कुछ करना कुछ नहीं है। जैसे T1 और T2 है, उसका रेशियो ले लो जो इक्वेशन मैंने 1 बताया था। H1 और H2 है, उसका रेशियो ले लो इक्वेशन 2 में। ये कैसे प्रूव हो जाएगा, जो मैंने H1 H2 का वैल्यू निकाला था उसको RHS में रख दो, और रेंज का वैल्यू निकाला था उसको LHS में रख दो, और इक्वल वेरीफाई हो जाएगा एग्जैक्टली सेम वे में 4 के लिए। तो 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है प्रोजेक्टाइल मोशन का, जब एक पार्टिकल को
सेम वेलोसिटी से थ्रो करते हो बट डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से, एक एंगल अगर थीटा हो तो दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो एंड दैट इज द 90 माइनस थीटा। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसको आप याद रखिए, एमसीक्यू वगैरह में आता है, एंट्रेंस टेस्ट में। चलिए आगे का टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं और वो है प्रोजेक्टाइल मोशन को अगर आप ग्राउंड से थ्रो नहीं करो, मान लो सर्टेन टावर से थ्रो कर दो। मैंने टावर ले लिया सपोज करो, ये लो ये ग्राउंड है, ये पर्टिकुलर टावर है जिसकी हाइट हमने एच ले ली। अब ये ओरिजिन ले लो, एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली आपने थ्रो कर दिया यू वेलोसिटी से, ये वाई एक्सिस है, वाई डैश एक्स और एक्स डैश ओरिजिन इसका जीरो जीरो होगा। अगर आपने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है, जहां से प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट होता है प्रयास करना चाहिए कि उसी को हम ओरिजिन लें। अब फ्री फॉल तो है ही है, ये ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होकर कैसे आएगा, इस तरह से पाथ फॉलो करते हुए या हिट करेगा। तो यहां एंगुलर प्रोजेक्शन थीटा का वैल्यू जीरो है, तो वेक्टर यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, यू आई कैप, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में तो है नहीं, एक्सलेशन वेक्टर कितना हो जाएगा, जी माइनस जे कैप। फ्री फॉल में आपको पता है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव वाई डायरेक्शन में होता है, ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड जी है और वेक्टर अब क्या हो गया माइनस जी कैप। इनिशियल पोजिशन इसका जीरो जीरो है, टी टाइम बाद इसका फाइनल पोजिशन मान लो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स हो गया, वाई कोऑर्डिनेट वाई हो गया, तो इसका पोजिशन का वैल्यू हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर एट एनी टाइम टी इसका पोजिशन पी है और कोऑर्डिनेट इसका एक्स वाई है, तो पोजिशन वेक्टर जो आर हो जाएगा, ये आर आर इक्वल टू कितना होगा एक्स आई प्लस वाई जे, तो आर इक्वल टू हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे। यू का वैल्यू रख दो यू आई हो गया, टी प्लस हाफ ए माइनस जी जे इंटू टी स्क्वायर, ये कितना होगा यू टी आई माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। तो पार्टिकल के ट्रेजेक्ट्री पे कोई भी जनरल पॉइंट पी है और उस पॉइंट पी पे पी पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट एक्स और वाई कोऑर्डिनेट वाई है, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा यू टी एंड वाई का वैल्यू कितना होगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर वन हो गया। अब देखिए इसके आगे देखते हैं, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, हमने इनिशियल वेलोसिटी यू दिया है, एंगुलर प्रोजेक्शन जीरो है, तो दिखाई दे रहा है कि अगर ये वेलोसिटी वेक्टर यू एक्स वाई प्लेन में होता तो फिर तो उसको रिजॉल्व करते एंगुलर प्रोजेक्शन के साथ, बट ये डायरेक्टली एक्स एक्सिस पे लॉन्ग है, तो यू वेक्टर यू आई हो गया, ए वेक्टर फ्री फॉल में माइनस जी जे हो गया, थ्रो करने के टी सेकंड बाद हमने पोजिशन एक्स वाई ले लिया, तो पोजिशन वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे हो जाएगा और यू टी प्लस हाफ जी स्क्वायर लगा दिया, जिससे एक्स यू टी आ गया और वाई माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आ गया। आगे देखिए अगर ये टावर है जिसकी हाइट एच है, आपने हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दिया, इसका आप ओरिजिन ले लो, एक मिनट बच्चों, इसे आप ओरिजिन ले लो ऐसे, ये वाई एक्सिस एक्स डैश एक्स सॉरी वाई डैश, इसका ट्रेजेक्ट्री ऐसे था, ऐसे स्ट्राइक कर गया, जहां पे स्ट्राइक किया ये डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल रेंज ले लो और इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है यहां से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना, ये डिस्टेंस आर ही तो होगा, आप देख सकते हो ऐसे इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये डिस्टेंस कितना होगा उतना ही जितना हॉरिजॉन्टल रेंज है, तो एक्स कोऑर्डिनेट आर हो गया एंड वाई कोऑर्डिनेट आप यहां से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ओरिजिन से डिस्टेंस एच है बट नेगेटिव वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, तो ये माइनस एच हो गया, ओरिजिन से बिलो एच हाइट पे ना, एच डेप्थ पे,
ये पॉइंट जहां ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, हमें इस पॉइंट का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। ये ऑरिजिन है, जीरो और जीरो। इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे प्रोंगुलर ड्रॉ करोगे तो ये जो डिस्टेंस आया एक्स कोऑर्डिनेट होगा, फोर्थ आर के बराबर है, ये इसके इक्वल हो गया। और इस पॉइंट से वाई एक्सिस पे प्रोंगुलर ड्रॉ करोगे तो आपने ऑरिजिन से बिलो इसका एल्टीट्यूड है ना, और ये डिस्टेंस एच है, वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा और माइनस एच होगा। इस समय टी का वैल्यू टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ। तो व्हेन टी इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, वाई का वैल्यू कितना आया था, y इक्वल्स टू माइनस एच आया था। अब एट एनी टाइम टी y का वैल्यू कितना आया था, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, y हो गया माइनस एच माइनस हाफ जी, स्मॉल टी के बदले कैपिटल टी ले लो टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में दे रहे कॉन्सेप्ट है ना, दिखाई दे रहा है, जब टाइम का वैल्यू टाइम ऑफ फ्लाइट है तो y कोऑर्डिनेट माइनस एच है, y माइनस एच है। तो y का जनरल जो पैरामेट्रिक फॉर्म है y को लो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, टी एनी टाइम टी है, लेकिन टी का स्पेशल वैल्यू कैपिटल टी लेते हैं तो y का वैल्यू माइनस एच आ गया। सॉल्व करोगे तो h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर हो गया, या टी स्क्वायर इक्वल टू टू एच अपन जी हो गया, या t इक्वल टू अंडर रूट टू एच अपन जी हो गया। इस ये जो रिजल्ट आया कि एक ऑब्जेक्ट को सर्टेन टावर जिसकी हाइट एच है से हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हो तो कितने टाइम बाद ग्राउंड पे हिट करता है, ये जो टाइम है ना, देखो ये इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, इंडिपेंडेंट ऑफ यू है, ध्यान देना। इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट को 10 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टली थ्रो करो टावर से, सर्टेन टावर के टॉप से, और 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो करो, वेलोसिटी डिफरेंट है, तो दोनों सेम टाइम में ग्राउंड पे हिट करेंगे, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। फिर से सुन लो, जब आप किसी टावर से किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हो तो वो पार्टिकल कितने टाइम में ग्राउंड पे हिट करेगा वो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। आप स्लो थ्रो करो या फास्ट थ्रो करो तो उसको ग्राउंड पे जाने में इक्वली टाइम लगेगा, और कितना लगेगा, अंडर रूट टू एच बाई जी। तो फिर रेंज कितना होगा, रेंज भी यहां निकाल सकते हैं, अगले पेज पे आ जाते हैं। व्हेन टी इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट था, एक्स कोऑर्डिनेट रेंज के बराबर था, आप देख सकते हो टी टाइम ऑफ फ्लाइट है, एक्स कोऑर्डिनेट रेंज के बराबर। तो एक्स का जनरल इक्वेशन क्या आया था, यू टी आया था, एक्स आर आ गया, यू टी टाइम ऑफ फ्लाइट है, यू टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू कितना आया था, टू एच बाई जी, ये रेंज आ गया, रेंज हो गया बच्चों। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी का वैल्यू हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन डी आर बाई डी टी। आर का वैल्यू क्या था, यू टी आई माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जी, यही आया था। मैंने यहां दिखा देता हूं आपको कैसे आया था, ये देखिए आर यू टी आई माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जी, सभी को दिखाई दे रहा हूं। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, यू डी बाई डी टी टी आई हो गया माइनस हाफ जी डी बाई डी टी टी स्क्वायर जी हो गया। यू टी का डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में वन आ गया, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में टू टी हो गया जी, टू से टू कैंसिल, तो यू आई माइनस जी टी जे, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया बच्चे। अब इसको डायग्राम में कैसे दिखा सकते हैं, ये मान लो ये हाइट टावर की हाइट एच है, आपने यहां से हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, थ्रो करने के एनी टाइम टी सेकंड बाद इसका वेलोसिटी कैसे आएगा, टेंजेंट ड्रॉ करके आएगा वी, इसके एक्स कंपोनेंट भी होंगे और y कंपोनेंट भी होगा। x कंपोनेंट क्या आएगा, यू आई, और y कंपोनेंट क्या आएगा, जी टी माइनस जे,
जी टी माइनस जी आया बच्चों, एक मिनट थोड़ा इसको साफ कर दे। चलिए जी टी माइनस जी, अगर इस वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर अल्फा हो और मैग्नीट्यूड वी हो तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मॉड ऑफ वी मॉड ऑफ यू आई माइनस जी टी जे हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, और डायरेक्शन अगर अल्फा है तो टेन अल्फा का वैल्यू क्या होगा, मैग्नीट्यूड यहाँ पे वाई, ये देखो ये इसका मैग्नीट्यूड कितना है जी टी, डायरेक्शन बेशक माइनस जी है बट मैग्नीट्यूड तो जी टी है, और एक्स कॉम्पोनेंट वेलोसिटी का यू है, तो टेन अल्फा जी टी बाई यू हो गया, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया। तो बच्चों ये हमने जो बताया ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, किसी ऑब्जेक्ट को जब किसी टावर से हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हो तो थ्रो करने के टी सेकंड बाद वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा। आप चाहे तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी भी निकाल सकते हैं, जैसे अभी मैंने बताया था एक्स का वैल्यू क्या था यू टी, एंड वाई का वैल्यू क्या था माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का मतलब क्या हुआ, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को सर्टेन टावर से थ्रो कर रहे थे, इसका जो पाथ था ना, इस पाथ पे कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, वाई कोऑर्डिनेट वाई है, और टाइम एनी टाइम टी है, तो वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स जो क्या होगा, या एक्स इज अ फंक्शन ऑफ वाई क्या होगा, दिस विल बी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो यहाँ पे x टाइम पे डिपेंडेंट है, y टाइम पे डिपेंडेंट है, तो मैं यहां से टाइम निकाल करके y में रख लूं तो क्या होगा, y का वैल्यू हो गया माइनस हाफ जी, t का वैल्यू क्या होगा बच्चों, तो यहां से देखो t का वैल्यू कितना हो गया x अपॉन u, x अपॉन u ये रहा ना, यहां से का होल स्क्वायर, तो y इक्वल्स टू माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, वाई इक्वल टू माइनस जी बाई टू यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये जो आया दिस इज अगेन इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोलिक पाथ होता है, तो ये प्रूव कर दिया यहां पे भी प्रोजेक्टाइल मोशन जो होगा अगर आप किसी टावर से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करोगे फ्री फॉल कंडीशन में, जो ट्रेजेक्ट्री होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में वो पैराबोलिक होगा। अब बच्चों इसमें न्यूमेरिकल कैसे आते हैं वो आप देख सकते हो, मान लो कोई टावर है, टावर की हाइट दे रखी है, एच का वैल्यू सपोज 200 मीटर लेंगे, ये ग्राउंड है, एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली यू इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो करते हो, कह रहा है कि कितने टाइम बाद वो ग्राउंड पे हिट करेगा और कहाँ पे हिट करेगा, उसके बेस ऑफ द टावर से कहाँ पे हिट करेगा, मतलब आपको रेंज निकालना है और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, दोनों चीजें निकालनी है। आपको ये भी हो सकता है कि ये पूछे कि किस वेलोसिटी से हिट कर रहा है वी, उसका डायरेक्शन क्या है अल्फा, इस केस में आपको क्या क्या निकालना है, फाइंड नंबर वन टाइम ऑफ फ्लाइट, नंबर टू रेंज, रेंज मतलब बेस ऑफ द टावर से कहाँ हिट करा, नंबर थ्री स्ट्राइकिंग वेलोसिटी, नंबर फोर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी टैन अल्फा। तो इसका वेरी सिंपल सॉल्यूशन है, टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू क्या बताया था अंडर रूट टू एच बाई जी, आपने एक टावर जिसकी हाइट 200 मीटर है उसको 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर दिया, जी का वैल्यू मैंने मान लो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा टू एच हो गया कितना 200 अपन जी 10 कैंसिल हो गया 40, अंडर रूट 40 टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब अंडर रूट 40 सेकंड बाद ये ग्राउंड को हिट कर जाएगा। अब रेंज क्या हो जाएगा, रेंज का वैल्यू यू टी होता है, यू का वैल्यू कितना है 20 और टाइम ऑफ फ्लाइट अंडर रूट 40, एक मीटर हो गया एक सेकेंड हो गया। अब वेलोसिटी का वैल्यू क्या बताया था यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर अंडर रूट, यू कितना है स्ट्राइकिंग वेलोसिटी, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी में टाइम कितना लगे बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट लगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ टाइम का वैल्यू टाइम ऑफ फ्लाइट होगा तभी स्ट्राइकिंग वेलोसिटी निकलेगा, ये तो स्ट्राइकिंग ये वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, तो अगर इस पॉइंट पे हमें वेलोसिटी निकालना है ग्राउंड पे जहां पे वो हिट कर रहा है तो वहां पे टाइम का वैल्यू टाइम ऑफ फ्लाइट लेंगे,
यू का वैल्यू 20 का स्क्वायर हो गया, तो जी 10 ले लो, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना अंडर रूट 40 ले लो, तो होल स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा अंडर रूट 400 और ये 100 × 40, तो देख लो कितना आ जाएगा। अब डायरेक्शन की बात करें तो टेन अल्फा का वैल्यू क्या होता है, जी टी बाई यू मैग्नीट्यूड, जी 10 ले लो, टी अंडर रूट 40, अपन यू कितना 20, तो डायरेक्शन ऑफ स्ट्राइकिंग वेलोसिटी निकल गया। इसका रिवर्स भी क्वेश्चन आ सकता है कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट को सर्टेन वेलोसिटी से थ्रो किया और वो स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करते समय हो सकता है आपको अल्फा दिया हो, अल्फा दे रखा हो यू पूछे और टाइम ऑफ फ्लाइट दे रखा हो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट दिया होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू रख देना, अल्फा दिया हो ऐसे यू आ जाएगा, यू आने से फिर आपका एच भी आ जाएगा, रेंज भी आ जाएगा। मतलब इसमें बहुत सारे वेरायटी ऑफ क्वेश्चन है, तो हमारे पास लिमिटेशंस है कि हम बहुत सारे क्वेश्चन को कवर नहीं कर सकते, बट एक कोर कॉन्सेप्ट तो आपको मैं शेयर कर ही सकता हूँ कि प्रोजेक्टाइल मोशन जब अगर किसी टावर से हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हो तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, रेंज क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होता है, उसके अलावा और भी सिचुएशन हो सकते हैं। देखिए ये टावर, ये ग्राउंड है, टावर की हाइट एच है, एक ऑब्जेक्ट को सर्टेन वेलोसिटी यू से थीटा एंगल से थ्रो किया, यू के दो कंपोनेंट है, एक यू कॉस थीटा, एक यू साइन थीटा, ये बेचारा इसका ट्रेजेक्टरी कैसा होगा, ऐसे करके हो सकता है यहां पे हिट कर जाए ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे, ये ऑब्जेक्ट यहां पे हिट किया तो उसका हॉरिजॉन्टल रेंज आर मान लिया, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा आर और वाई कोऑर्डिनेट माइनस एच हो जाएगा, माइनस एच क्यों, ये ओरिजिन है एक्स डैश एक्स, तो इस पॉइंट से वाई एक्सिस पे फॉर्मूला ड्रॉ करोगे ना, तो ये ओरिजिन से बिलो एच पे कट करे, इसलिए वाई कोऑर्डिनेट माइनस एच, एक्स कोऑर्डिनेट जो रेंज है, और टाइम का वैल्यू कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो बच्चों ये तो जनरल प्रोजेक्टाइल मोशन है, यू वेक्टर का वैल्यू कितना हो गया, यू कॉस थीटा आई, ये आई कैप हो गया, यू साइन थीटा जे कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप हो गया, एक्सेलरेशन वेक्टर हो गया माइनस जी जे। मान लो थ्रो करने के बाद किसी भी टाइम टी इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, वाई कोऑर्डिनेट वाई है, तो पोजीशन वेक्टर आर का वैल्यू हो जाएगा ऑफ कोर्स एक्स आई प्लस वाई जे। अब आर को क्या लिख सकते हो, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर टू एक्स आई प्लस वाई जे, यू का वैल्यू कितना है, यू कॉस थीटा आई प्लस यू साइन थीटा जे इंटू टी प्लस हाफ जी माइनस जे इंटू टी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे। इस दोनों साइड कंपेयर करो, आई का कोफिशिएंट राइट साइड में एक्स है और लेफ्ट साइड में क्या होगा, यू कॉस थीटा टी हो जाएगा, और जे का कोफिशिएंट वाई है और लेफ्ट साइड में क्या होगा, वाई इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों याद है जो मेरा प्रोजेक्टाइल का जो वीडियो लेक्चर है उसमें आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग में मैंने यही क्वेश्चन निकाला था कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर यू वेलोसिटी से थ्रो करते हो, थीटा एंगुलर प्रोजेक्शन से थ्रो करते हो, तो थ्रो करने के टी सेकंड बाद जो कोई भी पार्टिकल किसी भी पॉइंट पे पहुंचेगा उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब पोजीशन क्या होगा। तो अब यहां पे देखो, जब टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट है तो वाई कोऑर्डिनेट माइनस एच है ना, तो इस सिचुएशन में देखो व्हेन टाइम इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट वाई कोऑर्डिनेट इक्वल टू माइनस एच है, तो वाई का वैल्यू क्या होता है, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वाई हो गया माइनस एच, यू साइन थीटा टी टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, माइनस टू एच इक्वल टू टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस जी टी स्क्वायर,
सॉल्व कर सकते हो जी टी स्क्वायर माइनस टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस टू एच इक्वल टू जीरो। अब ये टी का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें ए क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले के हिसाब से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना, तो ए का वैल्यू टी स्क्वायर हो गया, बी का वैल्यू माइनस टू यू साइन थीटा हो गया और सी का वैल्यू माइनस टू एच हो गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए माइनस बी, बी का वैल्यू कितना है माइनस टू यू साइन थीटा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस टू यू साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर ए का वैल्यू कितना है ए जी है सॉरी ए यहां पे जी है तो ये हो गया। एक मिनट बच्चों, चलिए तो हमारे पास काफी कुछ आइडिया हो गया कि रूट के अंदर ही आएगा। माइनस टू यू साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर ए, ए का वैल्यू कितना है जी है और सी का वैल्यू कितना है माइनस टू एच है अपॉन टू ए जी आया था। ये सॉल्व करोगे तो हो जाएगा टू यू साइन थीटा प्लस माइनस अंडर रूट फोर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एट जी एच डिवाइडेड बाई टू जी। अब इसमें से इन दोनों में फोर कॉमन लो, तो ये यू साइन थीटा यहाँ टू आ गया प्लस माइनस टू अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू जी एच अपॉन टू जी आ गया। फोर का देखो यहाँ पे टू और यहाँ भी टू है, टू यहाँ डिवाइडेड है तो आप टू कॉमन लेकर के इसे कैंसिल कर सकते हो। तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट का वो टी का वैल्यू हो जाएगा यू साइन थीटा प्लस माइनस अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू जी कैपिटल एच अपॉन यहाँ पे जी आया। आप जैसा देख पा रहे हो फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ कि यहाँ बच्चों हमारा जब टाइम का वैल्यू टाइम ऑफ फ्लाइट होगा तो वाई का वैल्यू माइनस एच होता है। प्रीवियस डायग्राम में आप देख सकते हो मैंने क्या किया, वाई एक्सिस के लॉन्ग जो वाई कोऑर्डिनेट है, वाई एक्सिस के लॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट वाई कोऑर्डिनेट है किसी पार्टिकल के पोजिशन का प्रोजेक्टाइल मोशन में, वो टी पे कैसे डिपेंड कर रहे हैं, वाई वैल्यू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ डी टी स्क्वायर। तो जब टाइम का वैल्यू टाइम ऑफ फ्लाइट है वाई का वैल्यू माइनस एच ले लिया, वाई माइनस एच आ गया यू साइन थीटा कैपिटल टी माइनस हाफ डी टी स्क्वायर, मैंने टू से मल्टीप्लाई किया यहाँ माइनस टू एच आ गया, यहाँ टू यू साइन थीटा टी और यहाँ टू से टू कैंसिल जी टी स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना हो गया जी टी स्क्वायर माइनस टू यू साइन थीटा टी माइनस टू एच, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आया जिसका ए का वैल्यू जी आ गया, बी का वैल्यू माइनस टू यू साइन थीटा और सी का वैल्यू माइनस टू एच। तो टाइम का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो टाइम का जो रूट्स का फॉर्मूला हो गया माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर एसी अपॉन टू ए माइनस बी का वैल्यू देखो यहाँ कितना है माइनस टू यू साइन थीटा प्लस माइनस अंडर रूट बी का वैल्यू रखा माइनस टू यू साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर जी इंटू माइनस टू एच अपॉन टू जी, स्क्वायरिंग किया ये माइनस माइनस प्लस हो गया टू यू साइन थीटा प्लस माइनस फोर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एट जी एच अपॉन टू जी। अब क्या करो इसमें से फोर और यहाँ से फोर कॉमन लो, फोर कॉमन होगा तो क्या बचेगा यहाँ यू स्क्वायर साइन थीटा प्लस टू जी एच बचेगा, ये बचेगा और ये फोर जो कॉमन लिया था आपने वो रूट से बाहर निकालोगे तो टू आ जाएगा, तो यहाँ पे टू आ जाएगा
यहाँ भी टू है और यहाँ भी टू है, अब इन ओवरऑल इनमें से इसमें से इसमें से दो कॉमन लो तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फाइनल वैल्यू कितना आ गया, इक्वल टू यू साइन थीटा प्लस माइनस अंडर रूट यू स्क्वायर साइन थीटा प्लस टू जी एच अंडर रूट अपन जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के दो वैल्यू मिलेंगे, एक वैल्यू कौन सा होगा, यू साइन थीटा प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू जी एच अपन जी, और दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट का कौन सा वैल्यू मिलेगा, यू साइन थीटा माइनस अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू जी एच अपन जी। बट यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू है ना यू साइन थीटा से ग्रेटर है, प्लस यू साइन थीटा जोड़ोगे कुछ ना कुछ टाइम का पॉजिटिव वैल्यू आएगा, इसलिए इस टाइम के वैल्यू को तो मैं लूंगा, बट यहाँ पे टाइम का वैल्यू क्या है, यू साइन थीटा माइनस अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू जी एच, ये वैल्यू यू साइन थीटा से बड़ा है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू जी एच अंडर रूट का वैल्यू यू साइन थीटा से बड़ा है, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो निगेटिव आएगा, तो निगेटिव टाइम को हमने लेना नहीं है, तो फाइनली टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया u sin थीटा प्लस अंडर रूट u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपन 2gh / g। अब रेंज का वैल्यू क्या होगा, तो देखो व्हेन t इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट है, x इक्वल टू रेंज है, अब x का इक्वेशन पहले से आया हुआ है u cos थीटा इनटू t, x हो गया रेंज u cos थीटा और t टाइम ऑफ फ्लाइट u cos थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू क्या आया था, यू साइन थीटा प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू जी एच डिवाइडेड बाई जी 13। तो ये सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस यू कॉस थीटा अंडर रूट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू जी एच डिवाइडेड बाई जी, ये फाइनली रेंज का फॉर्मूला आ गया। कुछ नहीं इसमें u का वैल्यू दिया होगा थीटा का वैल्यू दिया होगा, सॉल्व करोगे सिंपल रिजल्ट आएगा, बट एक जनरल में फॉर्मूला मैंने निकाल के आपको दिया। अब आप चाहो तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हो, जैसे मान लो ये टावर है ये ग्राउंड है, अपने कब्जे को थ्रो किया यू वेलोसिटी से ऐसे गया ग्राउंड पे हिट कर रहे, इसके दो कंपोनेंट है, एक यू कॉस थीटा ये थीटा एंगुलर प्रोजेक्शन एंड आई कैप, और ये यू साइन थीटा जे कैप, ये वेक्टर यू है, तो इसमें यू का वैल्यू हो गया यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप, और एक्सेलेरेशन का वैल्यू माइनस जी जे। इसको सॉल्व करोगे इसका पोजीशन आर का वैल्यू क्या हो गया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सॉल्व करो यू कॉस थीटा आई प्लस यू साइन थीटा जी इंटू टी प्लस हाफ माइनस जी जे इंटू टी स्क्वायर आर आ गया, आर का वैल्यू यू कॉस थीटा टी आई कैप प्लस यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप, ये इंस्टेंटेनियस पोजीशन आ गया। मान लो कोई पार्टिकल यहां पहुंच गया टी टू टी सेकेंड और इसका पोजीशन दिया हुआ है ऐसे आर, यहाँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मान लो वी है, यहाँ वी पाथ पे टेंजेंट होकर के आएगा, इसके दो कॉम्पोनेंट होंगे एक एक्स कॉम्पोनेंट और दूसरा वाई कॉम्पोनेंट, एक्स कॉम्पोनेंट वी एक्स ले लो वाई कॉम्पोनेंट वी वाई ले लो आई कैप जे कैप और डायरेक्शन अल्फा ले लो। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, डी आर बाई डी टी लोगे, डी बाई डी टी डिफ्रेंशिएट कर दो यू कॉस थीटा टी आई कैप प्लस यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। अब देखो टी का डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में वन होगा, तो यहां बचा यू कॉस थीटा इंटू वन आई कैप, अब यहां भी t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 होगा तो ये बचेगा u sin थीटा और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 2t हो जाएगा, तो ये हो जाएगा g into 2t डिवाइडेड बाय हाफ, 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये j कैप हो गया। तो फाइनली जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बच्चों आ गया वो आया u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा - gt j कैप।
तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गया u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस जी टी जी कैप। ये कैसे आया? इंस्टेंटेनियस पोजीशन को डिफ्रेंशिएट करने से, टू डायमेंशनल मोशन में ऐसे ही स्टडी करते हैं। तो ये जो कंपोनेंट आया ना, ये वी एक्स हो गया, ये कौन सा है वी वाई हो गया, वी वाई जे प्लस वी एक्स आई इज इक्वल टू वी। इसको हम वेक्टर के थ्रू दिखा सकते हैं, मान लो ये पाथ पे था, ये वेलोसिटी वेक्टर वी था, ये वी एक्स था, ये वी वाई जे था, वी वाई जे वी एक्स आई, ये एंगल अल्फा हो गया। अब इस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड क्या होगा, मॉड ऑफ वी अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ये रहा ना वी एक्स आई प्लस वी वाई जी का। वी एस कितना है? यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और वी वाई यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आ गया, और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी टैन अल्फा कितना हो जाएगा? वी वाई बाई वी एक्स, तो वी वाई हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। तो बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने क्या देखा कि थ्रो करने के किसी भी टाइम टी सेकेंड बाद पार्टिकल का क्या वेलोसिटी होता है, उसके लिए आपको इंस्टेंटेनियस पोजिशन वेक्टर निकाल देना चाहिए, और पोजिशन को क्या करना चाहिए? डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी वी एक्स और वी वाई फॉर्म में आएगा। अब उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मॉडुलस ले लेंगे, या जैसे वी इक्वल टू वी एक्स आई प्लस वी वाई जे है, तो मॉडुलस लिया इसका, तो अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर हो गया। Vx, Vy का वैल्यू रख दिया। डायरेक्शन कैसे आएगा? ये Vx वेक्टर है, Vy वेक्टर है, V वेक्टर है, ये अल्फा एंगल बना रहा है V वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ, तो tan अल्फा Vy by Vx हो जाएगा, Vy u sin थीटा माइनस GT अपन Vx u cos थीटा। तो ओवरऑल जो मैंने ओवरऑल हमने डिस्कशन किया तीन तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन, एक कंडीशन वन जब आप ग्राउंड से थ्रो करते हो ग्राउंड पे आता है, एक सर्टेन टावर से थ्रो करते हो ग्राउंड पे आता है, बट टावर से थ्रो करते हो देख आपने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया वो मैंने डिस्कस किया, अब एक सर्टेन एंगल के थ्रू थ्रो किया वो मैंने डिस्कस किया। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में इतना ही, और इसके एडवांस जो पोर्शन है प्रोजेक्टाइल मोशन में, जिसमें कि इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस करते हैं, या एक इंक्लाइन प्लेन है दूसरा इंक्लाइन प्लेन, जैसे ये दूसरे दो अलग अलग इंक्लाइन प्लेन है, तो आपने एक थ्रो किया दूसरा इंक्लाइन प्लेन पे फॉल करेगा, इसके लिए अलग से एक वीडियो हम लोग निकालेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, थैंक यू।